कॉल पूछताछ काउंटर, देखिए यहाँ पर वीडियो कॉल से पूछताछ कर सकते हैं। यही है 8 नंबर एकदम लास्ट है आपका तक कॉल ऑफ कॉपीटेल यानी धनबाद जंक्शन। जी हाँ दोस्तों, धनबाद जंक्शन आज मैं इसको एक्सप्लोर करने वाला हूँ, तो चैनल पर बने रहे और वीडियो पर बने रहे। तो चलिए एक्सप्लोर करते हुए दिखाते हैं क्या कुछ है। और धनबाद में सबसे ज़्यादा कोयला पाया जाता है, आप लोगों को तो पता ही होगा। चलिए आज इस स्टेशन को एक्सप्लोर करने वाले हैं, तो ब्लॉक में बने रहे एंड तक, एक्सप्लोर करते हैं और वीडियो पर एंड तक बने रहिए। तो जैसे ही आप धनबाद में एंटर करेंगे, धनबाद रेलवे स्टेशन में कुछ इस प्रकार का सीन होगा। और यहाँ पर देखिए एक कोयला रखा है जो कि धनबाद की शान है, वही दिखाएंगे। और इधर एक बोर्ड लगा है जो कि ट्रेन का और मतलब टाइमिंग बताता है, ठीक है। तो चलिए दिखाते हैं और कुछ क्या क्या चीज़ें हैं, बल्ब के बने रहे। चलिए वो चीज़ को दिखाते हैं आप। ये जो है एक कोयला जो रखा गया है, डिजाइन किया गया है। और इधर ये सब जैसे भी और ट्रेन, ये सब टीना का है जो कि रंग फीका हो चुका है, अभी पेंट वेंट नहीं किया गया है। तो चलिए और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। दोस्तों इधर से आने के बाद आपको देखिए यहाँ पर अगर पैसा वैसा उठाना होता है, एटीएम है यहाँ पर, दो दो एटीएम है, ठीक है, यहाँ पर पैसा। और इधर है प्रवेश द्वार जो कि आना जाना लगा रहेगा, तो आप इधर जा सकते हो और आ सकते हो। और नंबर मतलब जो भी स्टेशन है, प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म में यहाँ से जा सकते हो। चलिए और आगे दिखाते हैं आपको इधर क्या कुछ सीन है। फिलहाल इधर एक नया डिजाइन बन रहा है, देखो कुछ सीन होगा एकदम। इधर है हमारा इंडियन फ्लैग। तो चलिए और अच्छे से एक्सप्लोर करते हैं। स्टेशन से निकलने के बाद आपको टैक्सी वैक्सी चाहिए ना, तो इधर मिलता है टैक्सी, सारा कुछ मिल जाएगा। टैक्सी चाहे उठो, जहाँ जाना हो आपको खुद पूछेगा, या तो आप भी पूछ सकते हो। यहाँ पर टैक्सी वैक्सी सब मिल जाता है, ठीक है। तो आकर टैक्सी में चढ़िए, जहाँ जाना है जाएंगे आप लोग। फिलहाल यहाँ से देख लीजिए ए धनबाद रेलवे स्टेशन, और इधर है टैक्सी, यहाँ पर टैक्सी मिल जाएगा, ठीक है। सारा देखिए लगा है, टैक्सी मिल जाएगा। फिलहाल हमारे इंडियन फ्लैग की बात, अगर आप धनबाद मतलब टिकट काउंटर नहीं खोज पा रहे, तो टिकट काउंटर यहीं पर टिकट काउंटर है, ठीक है। चलिए दिखाते हो टिकट काउंटर भी अंदर जाकर, ठीक है, अंदर चल के दिखाते हैं। यहाँ से प्रवेश द्वार है, इधर है टिकट काउंटर और इनकावरी भी काउंटर है। तो चलिए अंदर चल के दिखाते हैं। फिलहाल यहाँ पर एंटर करने के बाद हाँ, बहुत लोग यहाँ पर रेस्ट वेस्ट कर रहे हैं, ठीक है। और इधर ही है, यहाँ पर टिकट विकेट बनवा सकते हो, टिकट काटा सकते हो। यहाँ टिकट बनता नहीं है, यहाँ पर टिकट काटता है, ठीक है। जहाँ जाना है यहाँ तो सभी प्रकार के टिकट मिल जाता है। यहाँ पर 6, 7, 10 काउंटर है देशों में, फिर इधर कोई बहुत से लोग आराम कर रहे हैं। अगर टिकट बनवाने के बाद अगर कोई गलती होता है ना, तो इस जगह पर आप लोग आकर शिकायत कर सकते हो, इस जगह पर, ठीक है। तो चलिए और भी आगे दिखाते हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पर। देखो टिकट काउंटर, और इधर ही है शिकायत दर्ज कर सकते हो यहाँ पर, अगर टिकट में कोई गड़बड़ी आ जाती है मतलब कुछ भी, तो यहाँ पर शिकायत दर्ज कर सकते हो। सारा एटीएम लगाए गए, देखिए लाइन बाय लाइन बहुत सारे एटीएम है। प्रवेश द्वार के पास से एटीएम है, आप लोग पैसा वैसा निकाल सकते हो, ठीक है। और इधर कचरा पेटी, और इधर हो रहा है कोरोना जांच, चलिए इसको भी दिखाते हैं। देखिए वैक्सीन वैक्सीन लेके बैठा है, इधर होता है कोरोना जाँच आराम। देखिए इसी जगह पर कोरोना जाँच मतलब कोरोना जाँच होता है यहीं पर, देखिए। प्रवेश द्वार से जैसे ही एंट्री करोगे, तो एंट्री के बाद आपको इनकावरी काउंटर मिलेगा। तो चलिए दिखाते हैं इनकावरी काउंटर को। तो फिलहाल ये इधर पूछताछ काउंटर, ठीक है, यहाँ आकर पूछताछ कर सकते हो और इधर से जा सकते हो। और भी एक पूछताछ काउंटर है, वो भी दिखाएंगे। तो चलिए और इधर देखिए एकदम कितना सामान वामान रखा है।
देखो बहुत सारा सामान वामान रखा है इधर, प्लेटफॉर्म नंबर 1 है इधर। तो चलिए और भी दिखाते हैं। तो प्रवेश द्वार के और एक ये है, मतलब पूछताछ काउंटर, ये आगे का है। आओ आप लोगों को दिखाते हैं पूछताछ काउंटर, और एक है पूछताछ काउंटर वीडियो कॉल पूछताछ काउंटर, इधर है पूछताछ काउंटर वीडियो कॉल पूछताछ काउंटर। चलिए दिखा है इंक्वायरी वीडियो कॉल पूछताछ काउंटर। देखिए यहाँ पर वीडियो कॉल से पूछताछ कर सकते हो, ये अंकल बताएंगे। देखिए आदमी पूछ रहा है, ठीक है। आप लोगों को रिजर्वेशन कराना है, और अगर आप लोग काउंटर नहीं खोज पा रहे हैं तो चलिए आप लोगों को दिखाते हैं काउंटर कहाँ है। तो ये है धनबाद रेलवे स्टेशन जंक्शन, धनबाद जंक्शन, वो जस्ट इधर ही है, इधर लिखा हुआ है आरक्षण कार्यालय, ठीक है। यहीं पर आपको एंट्री कर जाना है, ठीक है। चलिए इस पर एंट्री करके दिखाते हैं कहाँ पर आप लोग टिकट विकट बना सकते हो कहीं दूर जाने के लिए, एक्सप्रेस के लिए। तो चलिए दिखाते हैं। यहाँ से एंट्री करने के बाद इधर बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई है, देखिए इधर बहुत सारी गाड़ियाँ लगी हुई है जो कि रेलवे स्टाफ का ही है। यह तो पार्किंग है, और इधर एक पेड़ है, और यही वाला है जो कि रिजर्वेशन होता है। चलिए अंदर चल के दिखाते हैं, यहीं पर रिजर्वेशन होता है एक्सप्रेस का, ठीक है। चलो अंदर चलते हैं, दिखाते हैं। अंदर आने के बाद देखो इसी जगह पर होता है एक्सप्रेस का रिजर्वेशन, इसी जगह पर बहुत से लोग देखिए अभी ये कर रहा है, वो फॉर्म भर रहा है। एक फॉर्म मिलता है, वो फॉर्म से आपको जहाँ जाना है आप लिख दोगे, बस इस प्रकार के है। यहाँ पर ठंडा ठंडा लग रहा है, काफ़ी लोग लाइन लगी हुई है। कितना काउंटर है यहाँ पर भी? 5-7 काउंटर, फिलहाल एक काउंटर बंद है। तो इसी जगह पर होता है एक्सप्रेस टिकट का रिजर्वेशन, जो कि आप दूर जाने के लिए आप यहाँ पर रिजर्वेशन कर सकते हो। एक फॉर्म मिलता है, फॉर्म को भरना होगा। आपको अगर धनबाद से कहीं जाना है, मान लीजिए धनबाद से आपको हावड़ा जाना है, तो धनबाद से हावड़ा लिख देना है, और आधार कार्ड लाना होगा आपको, बस और कुछ नहीं। और एक पेन जरूर लाइए, क्योंकि पेन यहाँ पर नहीं मिलता, ठीक है, नहीं तो दुकान में खरीद लीजिएगा, बस यहीं पर होता है। आई होप ये जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। फिलहाल धनबाद रेलवे स्टेशन में भीड़ देखिए, भीड़ यहाँ पर जो भी ट्रेन आते हैं, बहुत लोग दूर दूर से आते हैं यहाँ पर और ये करते हैं, बहुत से लोग हैं, काफ़ी ज़्यादा भीड़ है यहाँ। अगर एक नंबर प्लेटफॉर्म से मतलब तो आपको लास्ट तक जाना है, जहाँ मतलब 8 नंबर प्लेटफॉर्म मतलब लास्ट तक, तो कहाँ से जाओगे? चलिए आपको दिखाते हैं। ये हो गया धनबाद का एक नंबर प्लेटफॉर्म का इधर, ठीक है, और इधर एक टी स्टॉल लगा है, फिर इधर आपको चले जाना है, ठीक है। एक याद रखना, एक टंकी है, ये टंकी को याद रखना है, और फिर यहाँ से आपको इस रास्ते पर जाना है। चलिए चलते हैं, दिखाते हैं, वहाँ पहुँच कर आपको दिखाते हैं। चलिए तो एक गेट देखने को मिलेगा, एक गेट और एक टंकी, टंकी के इधर डाये मोड़ जाना है, ठीक है, इधर डाये मोड़ जाना है। इधर डाये मोड़ जाने के बाद फिर इस सीढ़ी से चले जाओगे आप लोग सीधे 8 नंबर की ओर। तो चलिए दिखाते हैं, ठीक है। इस सीढ़ी को पूरा चढ़ते हैं, फिर बातें करते हैं। चलिए वो सीढ़ी से चढ़ने के बाद इस पर गलत सीन है, और चलिए आगे दिखाते हैं, तो ठीक है। इस सीढ़ी को पूरा पार करना होगा, फिर आप 8 नंबर जाओगे, ठीक है। चलिए इस सीढ़ी को पूरा पार करते हैं, लेकिन इधर चादरावाज नहीं लगाया गया है, ठीक है। तो चलिए उधर चल के आपसे बातें करते हैं। सीढ़ी से का सभी प्लेटफॉर्म और ही दिख जाएगा आपको यहाँ से। इस सीढ़ी से उतरने के बाद काफ़ी लोग साइकिल भी चढ़ा रहे हैं। इस सीढ़ी से उतरने के बाद इधर आपको मिल जाएगा ऑटो मिल जाएगा, और भी बहुत कुछ है। चलिए इधर भी दिखाते हैं, इधर पार्किंग है।
यही है 8 नंबर एकदम लास्ट देख सकते हो। उस सीढ़ी से उतरने के बाद इधर इधर घुस जाओगे 8 नंबर। अंदर चलेगा, चलिए अंदर चलते हैं। अंदर घुसते ही इधर मिलेगा आपको टिकट काउंटर दाएं साइड में, और इधर है रिजर्वेशन काउंटर। एकदम 8 नंबर के लास्ट। इधर सीढ़ी है 8 नंबर, चलिए यहाँ पर चढ़ के आपसे बातें करते हैं। चलिए अच्छे से एक्सप्लोर कर देते हैं और प्लेटफॉर्म भी थोड़ा बहुत दिखा देते हैं। लेकिन एक बात है, विदाउट टिकट प्लेटफॉर्म का टिकट नहीं लिया। चलिए दिखा देते हैं, फिर भी पकड़ेगा फिर दिखा जाएगा। आपको जाना है ओवर 6-7, देखिए तो 6-7 प्लेटफॉर्म का ही दिया हुआ है। उधर भी आगे दिया हुआ है 4-5, देखिए प्लेटफॉर्म। तो चलिए आगे चल के उधर दिखाते हैं आपको, जहाँ जाना है आपको 4-5 जाना है। इधर है लिफ्ट 4-5 के इधर ही, चलो फिर आगे और दिखा देते हैं। 2-3 के प्लेटफॉर्म पर जाना है तो 2-3 प्लेटफॉर्म यहाँ पर लिखा हुआ है। और इधर ये सीढ़ी, कौन वाला सीढ़ी, लिफ्ट है लिफ्ट, लेकिन एक फिलहाल बंद है। लगाने के क्या फ़ायदा बंद रखे, तो लगता है भीड़ होता है तब चालू करता है इसको, अभी फिलहाल बंद है। फिलहाल देखिए स्टेशन का नज़ारा, तो ये है धनबाद लिफ्ट ट्रेन जो कि सुबह सुबह आई, सुबह नहीं 10:30 बजे, जो कि डेली रनिंग करती है। अलफुजा अलफुजा धनबाद अलफुजा एक्सप्रेस, तो ट्रेन पूरा अभी खाली खाली है क्योंकि इसका साफ सफाई होगा, अभी साफ सफाई नहीं हुआ है। ये ट्रेन जो है धनबाद से चलती है डेली 11:40 पर, डिटेल बता दिए आप लोग चेक कर लेना। चलिए उतरते हैं दोस्तों। और एक बात, इस अलफुजा ट्रेन की बहुत जल्द हम जर्नी करने वाले हैं एक्सप्रेस के अपने पैसों से, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना यार। आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आया होगा और इन्फॉर्मेशन पसंद आया होगा। पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो मेरे वीडियो यहीं पर एंड करते हैं और मिलते हैं किसी ऐसे स्टेशन प्लेस और ट्रेन जर्नी के साथ। जय हिंद जय भारत, मिलते हैं।